सबको कार्तिक महीने के बधाई देता हूँ। आप सुखी रहो। आज महीने का वो सत्संग आपको सुनाने जा रहा हूँ। कल दिवाली है, लोग घरों में बहुत व्यस्त हैं, अपने अपने घरों में सजा रहे हैं दिवाली मनाने के लिए। दिवाली क्यों मनाई जाती है मैं तो समझ नहीं पाया क्या कारण है ये। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब बिजनेस का पॉइंट है और कुछ भी नहीं है, इसमें और कुछ भी नहीं है, खोज की बहुत ज़्यादा और इस नतीजे पर पहुँचा कि दुनिया अंधेरे में रोशनी करने की कोशिश कर रही है। अंदर में अंधेरा है तो बाहर की रोशनी क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी। मगर फिर भी दुनिया है, दुनिया के मुताबिक जो हो रहा है किस कानून के मुताबिक हो रहा है। आज का जो सत्संग है वो इंसान को जीने का मार्ग बता रहा है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जो स्वामी जी महाराज की वाणी है जिसको मैंने अपने सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज के चरणों में बैठ कर समझा और अपने जीवन में उतारा, तब जाकर विश्वास हो गया कि जो महापुरुषों ने कहा है वो अटल सत्य है और बाकी का सब झूठ है, बाकी सब पखंड है, सब धोखा है, कोई असलियत नहीं बताता। जो असलियत संतों ने कही वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। पढ़िए। राधा स्वामी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय सार वचन कार्तिक मास पांचवा वर्णन कौलों का अंदर काया के और बड़ाई संत मते की। अब पहली बात कही स्वामी जी महाराज ने कि ये जो हमारी काया है, काया में हमारा जो शरीर है इसमें क्या है उसका वर्णन करने लगे। ये क्या चीज़ है इसके अंदर जिसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते और बाहर भागे हुए हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। आज वो चीज़ मैं आज को साबित करने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनना जितने भी लोग आप बैठे हैं, बोलिए। कार्तिक मास पांचवा चला सूरत साध गुरु चेला मिला। अब उन्होंने एक कंडीशन लगा दी है यहाँ कि इसको कौन समझेगा, जो बात आज वो कह रहे हैं इसको कौन समझेगा। वो समझेगा जिसकी सूरत चेला बन जाएगी और शब्द गुरु बन जाएगा। जिसने गुरु के शब्द को ही नहीं सुना, ना सत्संग में बैठकर सुना, ना अपने घर में जाकर चिंतन किया, ना उस पर चलने का ख्याल किया, और वैसे ही आए और वैसे ही सुनकर वापस चले गए, उनके लिए ये सत्संग नहीं है। पहली बात, वो समझेंगे जिन्होंने अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ दिया। कहाँ? पहले सत्संग में जोड़ा कि जो भी सतगुरु के बुखार बिंद से शब्द निकला उनको अपने सीधा उन्होंने हृदय में उतार लिया और घर जाकर चिंतन किया, विचार किया, उस पर चले। फिर क्या होगा? फिर अंदर में वही शब्द बोलने लगेगा जो गुरु जी ने बाहर में कहा था। तो जब ये बात हो जाएगी तो फिर सुरत क्या बनेगी, चेला बन गई और शब्द गुरु बन गया। और शब्द ही हमारे साथ हमेशा रहता है। गुरु का शरीर कभी आपके साथ नहीं रहेगा, गुरु की वाणी आपके साथ रहेगी, गुरु का दिया हुआ संस्कार आपके साथ रहेगा, गुरु का दिया हुआ वचन आपके साथ रहेगा। जिसने उस वचन को, उस शब्द को और उनके उस संस्कार को ले लिया वो तर जाएगा, जिसने उसके ओर ध्यान नहीं दिया वो डूब जाएगा, वो जहाँ मर्जी टकने मारता रहे उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा मैंने समझा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे मेरा जीवन इस बात का प्रमाण देता है कि मैं
अपने सदगुरु की बात पर चलता हूँ, इसलिए मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। और ये सत्य है, अटल सत्य है, और इसी को मैं मानता हूँ। क्या कहते हैं वो, हमारी काया में क्या है, हमारे शरीर में क्या है, कौन सी चीज़ है, किसके सहारे ये शरीर चल रहा है, वो सारे का सारा निर्णय मैं कर दूँगा। चलिए, कार्तिक मास पांचवा चला, सूरत साध गुरु चेला मिला, ताकि काया कवलन विधि भाके, कवल द्वादश काया राखे। हम वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर है, हमारी जो काया है, इसमें 12 चक्कर हैं, 12, उनको उन्होंने कमलों का नाम दिया, कमल। कबीर साहब ने उन कमलों का डिटेल में वर्णन किया है कि पहली जगह कितने फूल हैं, दूसरी जगह कमल के कितने फूल हैं, तीसरी जगह कितने हैं, चौथी जगह कितने हैं, कंठ में कितने, वो ऊपर तक चले गए बताते बताते। लेकिन दाता जहाँ स्वामी जी महाराज ने उन चीज़ों का विस्तार से नहीं बताया, क्योंकि सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। कभी मौका मिला तो मैं कबीर साहब की वो वाणी भी आपको सुना दूंगा, जिसमें उन्होंने हर केंद्र के ऊपर कितने कितने पंखड़ियों वाला फूल खिला हुआ है हमारे शरीर के अंदर, उन्होंने उनको चक्कर कहा है, चक्कर। और स्वामी जी महाराज उनको कमल कहते हैं। कमल गोल होता है, गोल फूल जो होता है वो गोल होता है, और उसकी पंखड़ियाँ ऐसे खिलती हैं, ऐसे खिलती हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में ये सब कुछ है, कितनी है, 12 हैं, 6 शरीर में हैं और 6 जहाँ से ऊपर हैं, 3 यहाँ पर हैं, 3 जहाँ ऊपर हैं, 6 ऐसा उन्होंने वर्णन किया स्वामी जी महाराज ने। और उनका हमारे शरीर में क्या क्या रोल है, वो आज आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। बोलिए क्या कहते हैं। प्रथम कवल गणेश विलासा, काल दूसरे ब्रह्मा बासा। अब देखिए कितनी ऊंची बात कह दी उन्होंने। ये हमारा जो शरीर है, इसमें मूलाधार, इंद्री, नाभि, हृदय, कंठ और तीसरा तिल, ये 6 केंद्र हैं, ये 6 केंद्र हैं, ये 6 कमल हैं, ये 6 चक्कर हैं। इनमें क्या क्या है, साइंस के मुताबिक, साइंस के अनुसार हमारे मूलाधार में पृथ्वी तत्व है, हमारी इंद्री में जल तत्व है, हमारे पेट में अग्नि तत्व है, हमारे हृदय में वायु तत्व है, और हमारे कंठ में आकाश तत्व है। ये 5 हमारे शरीर में तत्व हैं, जिनके कारण हमारा शरीर चल रहा है। लेकिन अब जहाँ स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये तो साइंस के मुताबिक हो गया, जो स्थूल सूक्ष्म और कारण चीज़ें हमारे अंदर शरीर को चला रही हैं, लेकिन इनमें देवता भी बैठे हैं, और वो देवता हमारे शरीर को चलाते हैं, और वो देवता हमारे शरीर को बनाते हैं, क्या क्या काम करते हैं, पहले स्थान पर क्या है, बोलो। प्रथम कवल गणेश विलासा, कहते हैं पहले स्थान पर गणेश जी बैठे हैं। अब देखो गणेश कौन हुए हैं, भगवान शिव के कहते पुत्र हुए हैं वो, और उनका रूप भी आपने देखा होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे घरों में, सनातन धर्म के घरों में, गणेश की मूर्ति को घर के अंदर नहीं रखा जाता। बात को सुनना गौर से, गणेश की मूर्ति को कहाँ लगाया जाता है, गेट पर लगाया जाता है, बाहर के गेट पर लगाया जाता है, जो जहाँ आप अंदर जाते हैं वहाँ मूर्ति वो लगती है, अंदर नहीं लगती। और अब यहाँ हमारी जो मूलाधार है, जिसको गुदा चक्र कहते हैं, जिसको पहला कमल कहा, उनमें कहते हैं कि वो पृथ्वी का मालक है, पृथ्वी के संभालने वाला है। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे समाज में कोई नया कर्म करना होगा तो गणेश की पूजा की जाती है, करते हैं ना, क्योंकि उनको पहले मानते हैं कि वो हमारी इस पृथ्वी का मालिक है, और इस जितना ब्रह्मांड सब शिव का रूप है, जितना ब्रह्मांड जो सारा शिव का रूप है, ऐसा शास्त्रों में भी कहा है।
मैं इस बात को मानता हूँ कि गणेश हमारा पृथ्वी का मालिक है। और दूसरी बात, मूलाधार काम क्या करता है, हमारी गुदा चक्र काम क्या करती है, वो हमारे शरीर के पृथ्वी तत्व को बाहर निकालता है जो हम खाते हैं। और हमारा जो मुंह है, हमारा मुंह, हमारा ये फेस, यहाँ से हम खाते हैं, इसका और मूलाधार का सीधा संबंध है। जो कुछ भी हम खाते हैं मूलाधार पर उसका असर होता है, होता है कि नहीं होता? जो खाएंगे वो बाहर जाएगा, पृथ्वी तत्व है वो पृथ्वी तत्व बाहर जाएगा, मल के रूप में वो पृथ्वी तत्व है वो बाहर जाएगा। और अगर किसी का पृथ्वी तत्व बाहर नहीं गया, कब्ज हो गई, कंस्टिपेशन हो गया, कंस्टिपेशन और बिगड़ गया तो बवासीर हो गई, फिर उस आदमी का अपहाल देख लो क्या होता है। क्यों होगा? क्योंकि उस इंसान ने अपने खाने का और मूलाधार का जो संबंध है उसको नहीं समझा। ये हमें समझना पड़ेगा अगर हम सुखी रहना चाहते हैं कि हमें क्या खाना है। वो खाइए जो पृथ्वी से पैदा हुआ, क्या कहा मैंने, जो केवल पृथ्वी से पैदा हुआ, अगर हम उसका आहार करेंगे तो मूलाधार भी आपका ठीक रहेगा, आपको कभी कोई कॉन्स्टिपेशन या कब्ज नहीं होगी। जब हम मुंह के ऊपर ख्याल नहीं रखेंगे, पृथ्वी तत्व को छोड़कर दूसरी चीज़ों का हम खाना पीना करेंगे और बिना समझे खाना पीना करेंगे, बिना भूख लिए खाना पीना करेंगे, तो फिर क्या होगा? हमारे मुंह का और हमारे गुदा चक्कर का आपस का मेल जोल टूट जाएगा और हमें कोई ना कोई मूलाधार की बीमारी लगेगी लगेगी लगेगी। ये पहली बात मैंने समझा है। गणेश क्या करते हैं मुझे नहीं पता। स्वामी जी महाराज ने गणेश महाराज को वहाँ क्यों बिठाया मुझे नहीं पता, शास्त्रों में क्यों लिखा मुझे नहीं पता। मैंने ऐसा समझा है कि वो मल जो हमारा पृथ्वी तत्व है उसको निकालने की जिम्मेदारी किसकी है, वो गणेश की है। और गणेश वो ही बाहर लेगा जो पृथ्वी से उत्पन्न हुई चीज़ है, क्योंकि गणेश और कुछ खाता नहीं है। हाथी क्या खाता है? पत्ते खाता है ना, फलाहारी खाता है ना, और तो कुछ नहीं खाता। वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन हम खाएंगे तो हमारा मूलाधार भी ठीक रहेगा, क्या कहा मैंने। इस बात पर विचार करो आप, मुझे बाकियों का पता नहीं। मुझे एक बात याद आ गई, दुर्गापुर से हमारे शब्दानंद जी आया, महाराज आया करते थे, शब्दानंद जी महाराज जो महाराज मानवदयाल जी महाराज के बहुत प्रिय थे, तो वो यहाँ आया करते थे और मंदिर नहीं आते थे लेकिन मॉडल टाउन में वो ठहरते थे और चार पांच दिन ठहरते थे। तो उन दिनों मुझे भी वो अपने साथ रखते थे, मैं भी वहीं रहता था। तो हमें 10 बजे का कहीं सत्संग पर जाने का टाइम दिया गया कि 10 बजे हमने वहाँ पहुँचना है। तो मैं तो टाइम का बहुत ख्याल रखता हूँ क्योंकि परमदयाल जी महाराज की संगत की हुई है, तो मैं उनके पास 9:30 बजे पहुँच गया कि वो तैयार हुए कि नहीं तैयार हुए। तैयार हुए नहीं तो मैं उनको तैयार करूँ। तो मैंने कहा महाराज चलिए 9:30 हो चले हैं, 9:40 हो गए हैं, हमें जाने में भी टाइम लगेगा। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, मुझे वो याद रहती, कहते कमल जी आप चलिए, मेरे आज गणेश मेरे से नाराज हैं। उन्होंने कहा मेरे गणेश मेरे से नाराज हैं। मैं नहीं समझ पाया कि गणेश क्या कहते हैं, गणेश क्यों कहा उन्होंने। जब ये वाणी पड़ी तो हो मुझे पता लग गया कि गणेश की नाराज़गी किस कारण से हुई, क्योंकि उनको कब्ज थी, उनका पेट साफ नहीं हुआ था इसलिए वो नहीं जा सकते थे। तो आप खुद इंतान देख लो, अगर आपका सुबह पेट साफ नहीं हुआ, सारा दिन मन भारी रहेगा, कुछ काम करने को दिल नहीं करेगा, बेचैनी रहेगी, ये कुदरत का कानून है।
इसलिए मैं इस स्थान को सबसे पहले पूछता हूँ। पूछते हैं कि नहीं पूछते आप सभी लोग? सभी लोग लैट्रिन जाते हो तो सबसे पहले यही काम करते हो कि नहीं करते? कुछ और करते हो? कोई धूप टिक्का नहीं करते जब तक ये ना साफ हो जाए? क्या कहा मैंने? अब दूसरे नंबर पर वो क्या कहते हैं, एक तो पहली बात मैंने आपको बता दी, सत्संग में आए हो, प्रैक्टिकल जीवन जीने का तरीका बता रहा हूँ। अब दूसरी जगह वो कहते हैं, दूसरे कमल में कौन है? ब्रह्मा जी महाराज बैठे हैं। क्या बात कही, वाह रे वाह। दूसरा कमल जो है इंद्रिय हमारी, ब्रह्मा का स्थान है। और ब्रह्मा काम क्या करता है? दुनिया को पैदा करता है, ये ब्रह्मा का काम है। तो क्या आप सोचो विचार करो कि तुम्हारे अंदर क्या वो शक्ति, क्या वो ताकत, क्या वो पावर नहीं है जो के औलाद को पैदा करती है? है। कहाँ से आई औलाद? औलाद कहाँ से आई? जीव जंतु कहाँ से पैदा हुए? आप सबको ज्ञान है इस बात का। लेकिन अगर उस ब्रह्मा के साथ हमने छेड़छाड़ की उम्र से पहले, सनातन धर्म की जय कहता हूँ मैं, जिन्होंने ये साबित किया, ये आदेश दिया, ये निजम बनाया कि 25 वर्ष तक तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपनी शक्ति की सुरक्षा करो, ताकि तुम्हारी संतान बहुत अच्छी पैदा हो सकेगी, आज्ञाकारी संतान पैदा होगी, होनहार संतान पैदा होगी, क्यों कहा उन्होंने? लेकिन जिन लोगों ने इस शक्ति का दुरुपयोग किया, जा समय से पहले उसको बर्बाद किया, उनको बीमारियां आएंगी आएंगी आएंगी, उनमें कमज़ोरी आएगी आएगी, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, उनमें भय बना रहेगा। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है, ये मालिक ने हमें दिया, ये मालिक ने एक हमारे अंदर शक्ति पैदा की। और दूसरा काम क्या करता है कि हमारे शरीर से ये इंद्री जो अधिक पानी है, अधिक पानी है, उसको मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। तो ये दो काम हमारा ब्रह्मा हमारे पास है। वो चारमुखी ब्रह्मा कहीं नहीं देखा मैंने, मैंने इसी को समझा कि ये ब्रह्मा है। और इसने किसकी पूजा कैसे करनी है? अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करके इसकी पूजा करनी है। जिसने सेल्फ कंट्रोल कर लिया वही इसमें कामयाब होगा, दूसरा कामयाब नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? दूसरा कमल आपको मैंने बता दिया, ये स्वामी जी की वाणी है। उन्होंने ऐसा क्यों लिखा ये वो जाने, लेकिन जो मुझे समझ लगी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे चलिए। काल तीसरे विष्णु प्रकाश चतुर्थ कमल सुसती निवासा। अब तीसरा कमल क्या है? हमारी नाभि है, नाभि। नाभि में साइंस में कहते हैं अग्नि है यहाँ पर, जिसको जठर अग्नि कहा जाता है। और विष्णु की ड्यूटी क्या है शास्त्रों के मुताबिक? संसार की वो पालना करता है, संसार की पालना करता है। और हमारी पालना कौन करता है? हमारे शरीर की पालना कौन करता है? हाथ करते हैं, पैर करते हैं, आंखें करती हैं, क्या कान करते हैं? कोई अंग हमारा और इस शरीर की पालन पोषण नहीं करता, केवल हमारा पेट में बैठी वो हस्ती है जिसको जठरग्नि अंग्रेजी में कहते हैं और धार्मिक स्थान में उसको विष्णु कहते हैं। विष्णु जी यहाँ बैठे हैं। तो आप बताइए, क्या मंदिर में विष्णु की घंटी बजाने से तुम्हारा पेट ठीक रहेगा? आप सोच लो, अमरीक सिंह विचार करिएगा। हमारा पेट अगर ठीक है, हमारी खुराक अगर ठीक है, हमने अगर केवल सात्विक भोजन खाया है, सात्विक का मतलब जो पृथ्वी माता की गोद से आया है, सब्जियां हैं, दालें हैं, अन्न है, अनाज है, और जो कुछ भी इस पृथ्वी से, दुनिया में मुझे कोई चीज़ का नाम लेके बताओ कि जो पृथ्वी से नहीं पैदा हुआ।
क्या बहुमूल्य हीरे से मोती, क्या जवाहरात, क्या सब पृथ्वी माता से पैदा होते हैं। सोना क्या, चांदी क्या, लोहा क्या, तांबा क्या, रूपा क्या, ये भी सब पृथ्वी माता की गोद से पैदा होते हैं। ये जितने गैस हैं, गैस था, पेट्रोल हुआ, ये डीजल हुआ, जितने ये भी पदार्थ सारे पृथ्वी माँ की गोद से पैदा होते हैं। और फिर ऊपर में हमें क्या कुछ नहीं पृथ्वी दे रही, कितनी सुंदरता, फूल दे रही है, फल दे रही है, अनाज दे रही है, दालें दे रही हैं, मीठा पानी दे रही है, और तुम्हें क्या चाहिए। और अगर हम इसके अलावा कुछ खाते हैं तो क्या हमारा विष्णु हमारे से खुश होगा, नहीं खुश होगा। तुम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मर्जी खाओ, कोई कहे कि मैं ये खाता हूँ तो मैं तगड़ा हो जाता हूँ, मैं ये हो जाता हूँ, वो शारीरिक रूप से तगड़े हो सकते हैं लेकिन मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से वो नीचे को गिरते जाते हैं, वो वहाँ ऊपर को उड़ान नहीं कर सकते क्योंकि वो स्थूल पदार्थों से जुड़ जाते हैं। इसलिए इस अगर आप विष्णु की पूजा करना चाहते हैं तो अपने इस नाभि चक्र का ख्याल रखो। तुम जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी पीते हो, उसका असर हमारे सांस के ऊपर पड़ता है। तुमने कोई गर्म चीज़ खा ली, कुछ ज़्यादा खा लिया तो तुम्हारा सांस का रफ्तार बहुत थोड़ा सांस ले सकोगे, आप पूरा सांस नहीं ले सके। जिनका पेट बहुत भर जाता है वो पूरा सांस नहीं ले सकते, जो कम खाते हैं वो पूरा सांस लेते हैं, ऐसा कहते हैं। और इसीलिए ये जो हमारे डाइटिशियन हैं उन्होंने को ये कहा कि सिर्फ पेट को 3/4 भरो। बाबा फकीर जी महाराज तो कहा करते थे कि आपको जब रोटी स्वाद होने लगे रोटी खाना बंद कर दो, ये उनका हुक्म है। सीमित कर दिया भोजन को, जितना सीमित रखोगे उतने ज़्यादा तुम तंदुरुस्त रहोगे और तुम्हारे दांत भी ठीक रहेंगे, तुम्हारा हाजमा भी ठीक रहेगा, तुम्हारा लिवर ठीक रहेगा, तुम्हारी किडनी ठीक रहेगी, तुम्हारा पेनक्रियास ठीक रहेगा, तुम्हारा तुम्हारी क्या नाम है ये जो आपकी किडनी है वो ठीक रहेगी, और पित्ता सबसे ज़्यादा जो रोटी को पचाता है वो ठीक रहेगा, और फिर तुम्हारा हार्ट भी मजबूत रहेगा। इसलिए इसका सबसे पहले ख्याल रखो। इसलिए भोजन को प्रसाद कहा गया है कि जब भोजन को प्राप्त करने बैठो तो उसको मालिक का प्रसाद समझ करके खाओ और तुम कभी भी ना खुश नहीं होगे, तुम्हें वो ताकत देगा। ये नहीं कि बड़ी बड़ी ताकत वाली चीज़ें खाने से तुम ताकतवर हो जाओगे, ताकतवर तब होगे जब तुम उसको प्रसाद के रूप में समझोगे। क्या कहा, तो इसलिए विष्णु क्या हुआ, मैंने क्या समझा, विष्णु एक पाचन शक्ति है जो हमारे शरीर में खाए हुए भोजन को पचाकर रस को एक तरफ करती है, उसका खून बनाती है, मल मूत्र अलग अलग करके जो चीज़ शरीर को चाहिए वो रख लेती, बाकी सारा बाहर गणेश जी को अर्पण कर देती। क्या कहा मैंने, जो ये तीसरी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब चौथा क्या है, चौथा क्या कहा, कमल तीसरे विष्णु प्रकाश, चतुर्थ कमल शिव शक्ति निवास। चौथा कमल हमारा हृदय है, हृदय, ये हृदय, एक हृदय और भी है वो भी मैं बता देता हूँ आगे चलकर। ये हृदय क्या करता है, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो वो कहते हैं यहाँ शिवजी महाराज रहते हैं। अब शिवजी कैसे खुश रहेगा, शिवजी कैसे खुश रहेगा अगर उसको पानी, आपने देखा मंदिरों में जाओ शिवजी के पिंडी के ऊपर पानी लटकाया हुआ है। दुनिया जाने ना जाने क्या कहती है, क्यों पानी लटकता है उनके ऊपर, मुझे नहीं पता। मैं ये समझता हूँ कि इंसान को इतना पानी पीना चाहिए कि
ताकि हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहे। हमारे शरीर में जो खून है वो दौरा किन चीज़ों से करता है? दो चीज़ों से करता है। खून जो चल रहा है उनमें दो चीज़ों का सबसे बड़ा रोल है। एक ऑक्सीजन का, जो हम सांस लेते हैं, हमारी सांस ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन नहीं मिली तो फेफड़े भी गए और उसका हार्ट पर भी असर होता है, क्योंकि हार्ट को खून किससे मिलता है? हमारी ऑक्सीजन ही उसको, ये हार्ट को चलने के लिए खून देती है। और दूसरा पानी है। खून में पानी की मकदार कितनी है साइंसदान जाने, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर में 75% पानी है। अगर वह पानी कम हो गया तो ब्लड क्या मोटा हो जाएगा, ब्लड गहरा हो जाएगा और उसको चलने में तकलीफ होगी और हार्ट पर उसका प्रेशर पड़ेगा। इसलिए पानी, डॉक्टरों ने भी कहा कि पानी ज़्यादा पियो ताकि तुम्हारा ब्लड जो है वो पतला रहे, और उस पतले ब्लड को साफ कौन करती? किडनी साफ करती है। हमारी किडनियाँ जो हैं वो पानी को, ब्लड को अलग करके केवल ब्लड भेजती हैं हमारे हार्ट को, बाकी सारी सफाई करके वो पेशाब के रास्ते से पानी निकाल देती हैं और हमारा हार्ट बड़े आराम से काम करता है। तो क्या हुआ कि ये पानी क्यों लटकाया जाता है उसके ऊपर, मैं जो समझा, इसका कोई और भी मतलब हो सकता है। तो हार्ट हमारा जो, ये हमारी ज़िंदगी का आधार है, और ये कहते हैं ये संहार करता है, ये मार देता है। हर चीज़ का उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और प्रलय होती है। जब तक हमारा दिल चल रहा है तो हमारी ज़िंदगी कायम है। जब ये हमारे दिल की धड़कन बंद हो जाती है तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए शायद इसको स्वामी जी ने कहा कि यहाँ पर हमारे शिव भगवान रहते हैं, जिनके कारण हमारा जीवन चल रहा है, और जब वो चले जाते हैं, जब वो उनका समय आ जाता है तो ये बंद हो जाता है और हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। क्या कहा मैंने? बाकी मैं नहीं जानता क्या मतलब होगा। मैंने ऐसा समझा है कि ऐ इंसान, तू अपनी खुराक को ठीक रख और पानी जितना पी सको उतना पियो, ताकि तुम्हारा ब्लड साफ रहे और हार्ट को साफ ब्लड मिलता रहे। और नहीं तो रात को आपको पता चल जाएगा, अगर आप, कई लोग ऐसे होते हैं जो सोए सोए मर जाते हैं, कहते रात को सोया मर गया। क्यों मर गया भाई? क्योंकि उसने पानी नहीं पिया था, ज़्यादा पानी की कमी के कारण ब्लड वहाँ पहुँचा नहीं, वो मोटा हो गया, वो सॉलिड हो गया और वहाँ तक पानी वो नहीं जा सका, और हार्ट रात को सोते सोते ही उसका बंद हो। आप इसका अनुभव करके देखना, आप पानी कम पियो रात को, आपको अगर आप ऐसे लेटे हुए हैं, आपका हार्ट आपको बता देगा कि मेरे शरीर में कमी है पानी की। बात समझ गए? मैं तो रात को भी दो दफ़ा पानी पीता हूँ, उठकर दो बार, मैं 4 बजे, 2, 12 बजे, 2 बजे पीऊँगा और फिर 4 बजे जब मैं उठता हूँ तो भी पानी पीऊँगा। क्या कहा मैंने? तो पानी, खुराक कम पानी ज़्यादा, क्योंकि हमारे शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा है, 75% पानी है, बाकी जो कुछ भी है वो डॉक्टर्स बताएंगे कि क्या क्या है और क्या क्या काम करता है। मैं तो ज़िंदगी में 5 चीज़ों को बहुत बड़ा महत्व देता हूँ, आपको बता देता हूँ। हमारी 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, बात को समझने की कोशिश करना। हाथ है, पाँव है और हमारा मुँह है, ये 5 कर्म इंद्रियाँ हैं। 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, हमारी आँखें हैं, हमारे कान हैं, हमारी नासिका है, हमारी रसना है और हमारी चमड़ी, ये ज्ञान इंद्रियाँ हैं। ऐसे ही 5 हमारे जीवन के आधार हैं, जीवन जिनके सहारे हमारा शरीर चल रहा है। अगर उनमें किसी में भी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो जाएगी तो हम बीमार हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। और उसमें कौन कौन सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनका तुम्हें ध्यान रखना होगा, अच्छा जीवन बिताने के लिए, खुश रहने के लिए, अभ्यास करने के लिए, नाम का स्मरण करने के लिए, बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ। पहली बात है हमारा फेफड़े, जिनको लंग्स कहते हैं।
अगर हमारा सांस ठीक चल रहा है और सुबह हम जल्दी उठते हैं, इसलिए किसी ने कहा है हर रात के पिछले हिस्से में एक दौलत लुटती रहती है, एक हवा चलती सुबह, एक हवा चलती है जो बहुत शुद्ध होती है, उसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन होता है क्योंकि वृक्ष जाग जाते हैं और वृक्ष उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना बंद कर देते हैं और ऑक्सीजन शुरू कर देते हैं। और जो सुबह की ऑक्सीजन वो हमारे दर्द छोड़ते हैं जिसको प्रभात कहते हैं, उस वक्त अगर आप बाहर बैठकर 10 मिनट या 5 मिनट लंबे सांस लेंगे तो आपको सारे दिन की ऑक्सीजन बढ़िया मिल जाएगी। तो लंग्स हमारे सांस के आधार हैं। अगर सांस बिगड़ गया, किसी को दमा हो गया, किसी को सांस चढ़ता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके लिवर, उसके लंग्स में कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया है, नंबर वन। दूसरे नंबर पर हमारा हार्ट है। हार्ट का संबंध सीधा हमारे लंग्स के साथ है, क्योंकि अगर हमारा सांस ठीक नहीं है तो हार्ट की पल्पिटेशन भी बिगड़ जाएगी। सांस ठीक है तो हमारा दिल का धड़कन भी नॉर्मल रहेगा। ये दो नंबर पर। तीसरा हमारा लिवर है, जिगर जिसको कहते हैं, वो हमारी खाने को पचाता है। जो कुछ भी हम खाते हैं उसको बहुत कष्ट करना पड़ता है। अच्छा खाओगे, थोड़ा खाओगे, उसको काम कम करना। वैसे तो आयुर्वेद में तो कहते हैं कि एक रोटी की बुर्की को 32 दफ़ा चबाओ, 32 दफ़ा, फिर देखो तुम्हें पूरा असर मिलेगा। लेकिन यहाँ तो बैठे एक मिनट का दो मिनट भी नहीं लगाते, खाना खाया और फ्री हो गया, चल दौड़ो जी, पता नहीं कहाँ दौड़ के जाना है। भोजन तो भगवान का रूप है, उसको ऐसे खाओ जैसे पूजा करने बैठे हो। क्या कहा लक्की, मेरी बात को तू भी सुन ले, बहुत जल्दी रोटी खाता है, क्या कहा मैंने। और तीसरी बात क्या है, लिवर आ गया तीसरा, और फिर है हमारी किडनी जो खून को साफ करती है। ज़्यादा नमक खाओगे, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खाओगे, उसका असर हमारी किडनियों के ऊपर पड़ेगा और बीपी बढ़ेगा और क्या होगा, शुगर होगी, तो भी तुम्हारा काम गड़बड़ हो जाएगा। और पांचवी चीज़ हमारे अंदर है पैनक्रियास। जो कुछ भी हम खाते हैं उसका रस बनता है, उसका ग्लूकोस बनता है, और ग्लूकोस का मकदार बनाने वाली हमारी जो हमारा जो पैनक्रिया है वो उसका लेवल रखता है कि कहीं ज़्यादा शुगर हमारे ब्लड में ना चला जाए। वो उसको रोकता है कि ब्लड में सिर्फ खून जाए, शुगर ना जाए, वो उसको कंट्रोल करता है। ऐसा भगवान ने हमारे अंदर सिस्टम किया हुआ है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा मिठाई खाता है और बहुत ज़्यादा खाता है, हर समय खाता रहता है, जा कोई परवाह ही नहीं करता, मैदा भी खाता है, मिठाइयाँ भी खाता है, जो कुछ मिल गया वो खाता है, तो वो बेचारा पैनक्रिया हमारा थक जाता है। वो कहता मैं 5 डिग्री तक ही बचा सकता हूँ तो मैं वही, बाकी तो मजबूर हूँ, वो जाएगा खून में और तुम्हारे को डायबिटीज़ हो जाएगी। और आज हमारे देश में ये शुगर इतनी ज़्यादा फैल गई है, इतना ज़्यादा खाना बिगड़ गया है कि हम इससे बच नहीं सकते। मैं 50 साल पीछे जाकर देखता हूँ अपना बचपन, हमारे बुजुर्ग शक्कर खाते थे, घी खाते थे, गुड़ खाते थे, चाय तो होती नहीं थी, लस्सी में भी शक्कर डाल के पीते थे, गुड़ खाते थे, कोई ऐसी बीमारी, किसी को शुगर थी नहीं, शुगर का नाम ही नहीं था, ब्लड प्रेशर का नाम नहीं था। अब आ गया टाटा साल्ट, आ गया बंद खाओ, मैदा आ गया, मैदे की चीज़ें खाओ, रसगुल्ले खाओ, चाहे गुलाब जामुन खाओ, चाहे जलेबी खाओ, तो क्या करेगा तुम्हारा पैनक्रियास, तुम्हारा विष्णु क्या करेगा, विष्णु तुम्हारा हार गया है। और तुम्हारी पांचों ज्ञान इंद्रिय, जान की इंद्रियां जिन पर हमारी जान निर्भर है, वो थकी ही है, इसलिए बचा लो इनको अगर बचा सकते हो। अपनी खुराक पर ध्यान करो और लंबा उम्र जीने की कोशिश करो। क्या खा कर सारा दिन खाते रहते हो, पीते रहते हो, समय पर खाओ, थोड़ा थोड़ा खा, तेरे भले की कहूँ। हमारे सदगुरु बाबा फकीर ने तो हमारा फैसला ही कर दिया,
ज़्यादा स्वाद लगे तो बंद कर दियो खाना, चलो मज़ा ही आ गया, बात समझ गए। फिर तुम आधी रोटी भी नहीं खा सकते, जितनी खानी खा ली बस उसके बाद छुट्टी। तो मैंने दिल की भी बात आपको बता दी कि ये हमारा चौथा कमल जो है ये हमारी जिंदगी के चलाने वाला ड्राइवर है, और ये अगर चला गया तो बस फिर राम नाम सत्य है, फिर कुछ नहीं। कितनी हार्ट की प्रॉब्लम है मेरे देश में, ये सब इसीलिए है कि हमारी, मैं एक जगह पढ़ा कि बीमारियां कैसे होती हैं, उसमें लिखा है डॉक्टर ने, वी ईट डिजीज़ थ्रू अवर माउथ, हम बीमारियों को अपने मुंह के द्वारा खाते हैं। अब आप खुद इंतजाम कर लो कि कैसे हुई बीमारी, फिर हमारे मुंह ने पैदा कर दी, हमारे मुंह ने हमारे गणेश को भी बर्बाद कर दिया, हमारे मुंह ने हमारे शिव भगवान विष्णु को भी तंग कर दिया, और हमारे मुंह ने हमारे ब्रह्मा को भी डिस्टर्ब कर दिया, और हमारे शिव को भी डिस्टर्ब कर दिया। तो बाहर में जिस मर्जी देवी देवता की तुम पूजा करते रहो भाई, वो तुम्हारा काम नहीं करेंगे। इसलिए जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो तुम्हारे अपने शरीर के अंदर है, ब्रह्मांड में कोई बीमारी नहीं है, ब्रह्मांड में कोई बीमारी नहीं है। इंसान ऐसा बिगड़ गया कि इसने पानी को भी खराब कर दिया, इसने वायु को भी खराब कर दिया, इसने आकाश को भी डिस्टर्ब कर दिया, तो ये कहाँ सुखी रह सकेगा। इसने तो कुदरत की शक्तियों का ही सत्यानाश करना कर शुरू कर दिया, ये कभी सुखी रह नहीं सकता। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो क्या कहते हैं। परमात्म सोई, आत्मा और परमात्मा दो बातें और कह दी उन्होंने, कि आत्मा कहाँ है, हमारे कंठ में है। तो कंठ में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, सांस आता है कि नहीं, सांस, गला रुक गया, सांस बंद हो गया, आत्मा गई। क्या कहा, मेरी बात को समझ रहे हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ आकाश तत्व रहता है, आकाश तत्व जो साइंस की बात मैंने पहले की आपके साथ, आकाश तत्व का गुण क्या है, वो शब्द है। आकाश तत्व का गुण शब्द है। जब इंसान का आखिरी समय आता है तो उसका बोलना बंद हो जाता है, और जब आखिरी समय आता है तो खाना भी बंद हो जाता है। क्या कहा मैंने, हजूर डॉक्टर लाल सिंह जी महाराज ने चोला छोड़ना था, तो मैंने उनके लड़के प्रकाश के साथ टेलीफोन, मेरा लगभग हफ्ते का एक बार टेलीफोन कर लेता था, तो उन्होंने बताया कि महाराज जी अब पिताजी की सेहत ज़्यादा ख़राब है। मैंने सिर्फ दो बातें उनको पूछी, मैंने कहा ये बताओ कि कैप्टन साहब ने खाना खाते हैं कि नहीं, कहते नहीं अब वो खाना नहीं खाते। मैं समझ गया कि उनका भोजन समाप्त हो गया है। हमारा अन्न निश्चित है, 50 साल में सारा खा लो चाहे 100 साल में खा लो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, वो निश्चित है। तोल कर मिला है, तोल कर। एक बार एक बहुत अच्छे प्रचारक हुए बाबा नंद सिंह जी महाराज, उन्होंने, मैंने सुना नहीं, मुझे बताया किसी ने कि वो जब कथा कर रहे थे तो उन्होंने कहा भाई, वो चलते रहते थे, कहीं रुकते नहीं थे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, कहते थे जो भगवान ने हमें भोजन दिया, कई बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो ईश्वर ने सब जीव जंतुओं के लिए सबसे पहले एक लंगर लगाया कि भाई अपना अपना हिस्सा ले लो, अपना अपना हिस्सा ले लो। तो कुत्ते को बाहर बैठा दिया कि तुम पैरा देना भाई, कोई दूसरा आदमी अंदर ना आए, मैं सबको भोजन टाइम पर देना है। तो नंद सिंह जी महाराज कहते हैं कि सबको महाराज ने, ईश्वर ने पल्ले भर भर दे दिए। जब मेरी टर्न आई तो महाराज ने कहा भाई नंद सिंह तुम्हें पल्ला नहीं भरने को मिलेगा, तुम्हें पल्ला नहीं मिलेगा। उन्होंने ऐसे बुक मेरा भोजन का भरा और ऐसे खिलार दिया, तुम चलते रहो और जहाँ जहाँ तुम्हारा भोजन तो वही खाओ। तो कहते बाद में क्या हुआ, जब वो लंगर ख़त्म हो गया तो दरवेश कुत्ता गया, महाराज मेरा भी टर्न आ गया कि नहीं आ गया,
ओहो, तुम्हें तो मैं भूल ही गया रे, तू तो सेवा में बैठा रहा। एक मुर्गी पड़ी थी, एक मुर्गी, मुर्गी जानते ना, छोटी सी होती थी। कहते अच्छा दरवेश, तेरे को एक मुर्गी मिल जाएगी तो तुम्हें उसी में ही संतोष हो जाएगा, और आप आजमा के देख लो, कुत्ते को एक रोटी दे दो वो पूछ हला देगा कि तेरा शुक्रिया। आप मेरी बात समझ गए आप लोग? ये सत्य बातें हैं, झूठ नहीं है ये। तो तुम्हारा अलॉट है, अलॉटमेंट हुई हुई है, तुम उसको जितना मर्जी यूज कर लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारी पांच, तुम्हारे अंदर लगा हुआ है मशीन, विष्णु बैठा है हृदय तुम्हारे अंदर बैठा है, ब्रह्मा तुम्हारे अंदर बैठा है, और शिव तुम्हारे अंदर बैठा है, गणेश। तुमने उनको कैसे खुश करना है ये तुम्हारी मर्जी है। वो मंदिर में जाकर खुश नहीं होंगे, तुम्हारी रहनी से वो खुश होंगे, तुम्हारी अपनी करनी से खुश होंगे। क्या कहा मैंने? इसलिए कबीर साहब ने कहा, कथनी करे सो मीत करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी करे सो मीत, ऐसा लिखा है ना, करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी करे सो मीत, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हर हम रहनी के साथ ही, हम रहनी के भी साथ, ऐसे लिखा हुआ, ऐसा लिखा है। तो रहनी में आओ, करनी बाद में होगी। तुम्हारी रहनी ठीक नहीं, खाना ठीक नहीं, पीना ठीक नहीं, तुम्हारा देखना ठीक कैसे हो सकता है, तुम्हारा सुनना ठीक कैसे हो सकता है, तुम्हारा बोलना ठीक कैसे हो सकता है? ये सारी चीज़ें तुम्हारे अपने खाने पर निर्भर करती हैं। जो प्रसाद है और जो धरती माँ ने तुम्हारे लिए पैदा किया, वो कहाँ पैदा हुआ तुम्हारी थाली में आया, वो दाना कहाँ पैदा हुआ तुम्हारी थाली में आया, तुम शुक्र नहीं करते हो उसका कि कहाँ दाना पैदा हुआ, कहाँ गेहूँ पैदा हुआ, कहाँ गन्ना लगा, कहाँ से गुड़ बना, कहाँ से सब्जी लगी, मंडी में आई, मंडी से फिर तुम्हारे हिस्से की तुम्हारे घर में पहुँच गई, तुम इस पर विचार नहीं करते हो कभी? विचार करो, तुम्हें पता लग जाएगा। और आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ रहती, बोल हमारा, हमारा वाणी, इसको कहते हैं वोकल कॉर्ड, अंग्रेजी में वोकल कॉर्ड कहते हैं, यहाँ से आवाज़ निकलती है, इसलिए यहाँ आत्मा बैठी है। इसलिए हमारे दादा स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये आत्मा आपके कंठ में रहती है। बोलना भी बंद हो गया, सांस भी बंद हो गया, चलो राम नाम सत हो गया, आगे छठे में क्या है, आगे चला गया। आत्म तवल साचवा होए, छठा कवल परमात्म सोई। अब छठा कमल कहाँ या है, जिसे ये जिसको शिव नेत्र कहते हैं, ये शिव नेत्र में कौन रहता है? आप सोच लो, आप विचार करो। संतों ने कहा कि जहाँ मन रहता है, और मन अकेला नहीं रहता, इसके साथ सुरत रहती है, मन की अपनी कोई शक्ति नहीं है, इसलिए इस मन को परमात्मा का रूप दिया है संतों ने। ये परमात्मा है, तुम्हारा परमात्मा। कैसे? फिर सोच लो, तुम मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाकर तुम पूजा करते हो, मूर्ति को बड़े ध्यान से देखते हो, तो उस मूर्ति को भगवान किसने माना? तुम्हारे मन ने माना, नहीं माना, तुम्हारे मन ने उस मूर्ति को भगवान माना। चाहे वो राम की मूर्ति है, चाहे वो भगवान कृष्ण की मूर्ति है, तुम्हारे मन ने उसको माना, नंबर वन। मुसलमान इस्लाम धर्म को मानने वाले किसी भी मूर्ति को नहीं मानते, वो कुरान की आयत को मानते हैं कि वो उसमें भगवान है, और वो मोहम्मद को अपना इष्ट मानते हैं, दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर मैं सिख धर्म की तरफ आता हूँ, वहाँ किसी मूर्ति की पूजा नहीं है, वहाँ वाणी की पूजा है। वाणी में कौन बैठे हैं? गुरु साहबान बैठे हैं, संत बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं। तो जिस भी महात्मा को कोई भी मानने वाला है, जैसे कबीर पंथी हैं, कबीर को मानने वाले हैं, तो कबीर को वो भगवान समझकर उनकी पूजा करते हैं, उनके रूप का ध्यान करते हैं। मेरी बात को पकड़ रहे हैं? जो दादू पंथी हैं वो दादू भगवान की पूजा करते हैं,
जो पलटू को जानते हैं वो पलटू की पूजा करते हैं, जो जय गुरुदेवा को मानने वाले हो जो जय गुरुदेवा की पूजा करते हैं, जो निरंकारी है वो निरंकारियों की पूजा करते हैं कि नहीं करते। अब मैं एक सवाल करता हूँ सबके सामने उनके साथ, क्या किसी मुसलमान को राम के दर्शन हुए? नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने उसको माना ही नहीं है। उन्होंने उनके मन ने ना किसी देवी को माना है, ना किसी राम को माना है, ना किसी कृष्ण को माना है, इसलिए उनके अंदर कोई देवी देवता नहीं आता। और राम को मानने वालों को अगर पूछो कि क्या तुम्हें कभी गुरु नानक देव जी महाराज के दर्शन हुए, वो कहते हैं कहेंगे नहीं हुए। जा श्री गुरु नानक देव जी महाराज को मानने वाले को पूछो कि तुम्हें कभी राम के दर्शन हुए, वो कहेंगे नहीं हुए। क्यों? क्यों? क्योंकि सबके इष्ट, सबके गुरु, सबके मालिक उनके अपने मन ने बनाए हुए हैं। तो जो मन ने चीज़ बनाई है वो कभी सत्य नहीं हो सकती। मुझे अगर कोई पूछो कि मुझे कोई बाबा फकीर के अलावा किसी और के दर्शन हुए, मैं कहता हूँ कभी नहीं। मैं जब चाहूँगा अपने गुरु के ही दर्शन करूँगा, चाहे आंखें खुली हों तब करूँगा, चाहे आंखें बंद हों तब करूँगा, मुझे किसी और का कभी ख्याल ही नहीं आता है। तो ऐ इंसान, फिर तुम्हारा देवी, तुम्हारा देवता, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा इष्ट जो कुछ भी है, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा वाहेगुरु, तुम्हारा जीसस क्राइस्ट जो कुछ भी है, तो किसका है? वो तुम्हारे मन का है। तो तुम्हारा मन ही तुम्हारा परमात्मा है। अमरीक सिंह, क्या कहा मैंने? तुम्हारा मन ही तुम्हारा परमात्मा है। तुम मन से आगे नहीं जाते हो, तो जिस रूप को तुम मानते हो और जिस रूप में तुम्हारा विश्वास है, मरते समय वही तुम्हें नजर आएगा। और तुम कहाँ जाओगे? जहाँ तुम्हारा इष्ट है। तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष तो केवल उनका होगा जो इस मन की दुनिया से आगे निकल गए हैं। क्या कहा मैंने? उन्होंने बहुत ऊंची बात कह दी है, विचार करो इसको। लेकिन हम ऐसे हैं कि हम अपने मन के ऊपर ही चलते हुए अपने धर्म को मानते हुए कि मेरा धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है, उसका इष्ट अलग है, हम आपस में लड़ते हैं। उस एक इंसान का रूप का जन्म लेकर, एक भगवान के दरबार से आकर, एक एक ही शक्ति से पैदा होकर, हम धर्म के नाम पर ना जाने अपने मन के पीछे लगकर क्या क्या जुल्म ढा रहे हैं, ये सब तुम्हारे अपने सामने है। तो इसलिए ऐ इंसान, तेरा परमात्मा तेरा अपना मन है, और तेरा माना हुआ मन का परमात्मा सत्य नहीं हो सकता। और इसलिए कबीर साहब ने कह दिया, जो दिखे सो वह नाही, जो नजर आता है वो नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो राम नहीं है, वो कृष्ण नहीं है, वो अल्लाह नहीं है, वो जीसस क्राइस्ट नहीं है, वो देवी भी नहीं है, वो तुम्हारे अपने मन की शक्ति ने बनाया है, इसलिए वो सर्वव्यापक नहीं है। और जो दिखे सो वह नाही, और जो है वो दिखे नाही। जो वो हस्ती है, वो जो माल के कुल है, जो सर्वव्यापक है, जो हर इंसान के अंदर है, जिसकी अंश हमारे अंदर है, वो सर्वव्यापक है। इसलिए एक दफ़ा इस बेटे ने गाया था, काहे रे बन खोजन जाए, सर्व नवासी सदा ले पे गट ही खोजो भाई। वो तुम्हारे अपने अंदर है, और वो मन से आगे है, वो मन में नहीं है। वो भी मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, आगे चलो। कमल सात में काल बसेरा, ज्योत निरंजन का वाडेरा। अब वो
कौन सी बात बता दी उन्होंने कि अगला सातवां कमल एक क्या है, उसको संतों ने सहस्त्र कमल कहा है। सहस्त्र कमल बहुत पंखड़ियों वाला एक फूल है वहाँ, और वहाँ कौन है? ज्योति निरंजन। मन वहाँ अकेला रहता है, मन अकेला रहता है और वहाँ अपने एक प्रकार के विचार पर तुम बैठो, जरा ध्यान करो। तुम यहाँ बैठोगे, मन यहाँ आ गया, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाओगे तो इसका स्थान अपना है, वो अपना इसका स्थान है, ये उसका अपना स्थान नहीं है, ये उसका अपना स्थान है जिसको सहस्त्र कमल कहते हैं। वह अनेक प्रकार के विचार आएंगे, इसलिए पांच नाम वालों ने उसका नाम ज्योति निरंजन रखा है। वहाँ प्रकाश भी होता है, मन एकाग्र हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एक जगह रुक जाता है, और जहाँ सिमरन करने वाले इंसान का मन पावरफुल हो जाता है, उसको ताकत मिलती है, उसकी विल पावर बढ़ जाती है और वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन उसमें शर्त एक ये है कि वहाँ जाने से पहले अपने मन को साफ करना पड़ेगा, अपने मन को बिल्कुल निर्लेप करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा, दयालु करना पड़ेगा, और ईर्ष्या द्वेष नफरत ये सब कुछ मन से निकालना पड़ेगा। क्योंकि इसकी जब विल पावर बढ़ जाएगी तो ये अगर इसमें किसमें क्रोध है तो क्रोध और बढ़ जाएगा, अगर कामनाएं हैं तो कामनाएं और बढ़ जाएंगी, अगर मोह है तो मोह और ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर लोभ है तो लोभ बढ़ जाएगा। जो चीज़ तुम्हारे अंदर कुदरत ने भरी हुई है वो बढ़ जाएगी, तो फिर तुम अपना जीवन बर्बाद कर लोगे। इसलिए पहले दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए तुलसी साहब जी महाराज ने कहा कि ऐ इंसान, उसको जहाँ बैठाने के लिए पहले अपने मन को साफ करो भाई। दुनिया से कोई ना लेना ना देना, मगन रहना, ऐसा कबीर साहब का एक शब्द है, उसको निकाल दो, फिर यहाँ आ जाओ, फिर अपने रूप में आ जाओ, देखो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, बदल जाएगी। क्योंकि ये इसमें बड़ी भारी पावर है, और पावर किसकी है? इसके साथ हमारी सुरत मिल जाती है, इसलिए ये पावरफुल हो जाता है और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला देता है। आगे अकाल आठवां त्रिकुटी माही, सूरज ब्रह्म बसे ते ठाही। अब आठवीं जगह हमारे एक और केंद्र है, यहाँ थोड़ा सा इससे थोड़ा ऊंचा जहाँ आ जाओ तो इसको त्रिकुटी कहते हैं। जिन्होंने गुरु धारण किया हुआ है या कुछ भी इसको वो मानता, कोई भी मानता है, तो जब मन इकट्ठा हो जाता है और वो अपने गुरु को याद करता है तो वहाँ उसको अपने गुरु के दर्शन होते हैं अंदर। जिसको तुम मानते हो वो दर्शन होंगे, दूसरे के नहीं हो सकते, जैसे मैंने पहले आपको कहा। तो वहाँ क्या होता है, जब वहाँ दर्शन आप करोगे तो वहाँ एक धुन पैदा होती है, वो धुन भी अलग अलग शरीर के मुताबिक पैदा होती है, ये जरूरी नहीं है कि सबके अंदर एक ही शब्द पैदा हो, नहीं। किसी को बम बम की आवाज़ सुनाई देती है, किसको ढोल की आवाज़ सुनाई देती है, किसको बादल गरजने की सुनाई देती है, या किसी को ओम ओम की आवाज़ सुनाई देती है। और वहाँ लाल रंग का प्रकाश बताया मेरे बाबा की से महाराज ने कि लाल रंग का वहाँ प्रकाश होता है, क्योंकि मन उस गुरु के रूप को अपनी ताकत से इकट्ठा करता है और वहाँ ये आवाज़ें आती हैं। इसलिए वहाँ विवेक पैदा होता है, विवेक यानी हमारे में समझ बूझ पैदा होने लग जाती है, और तुम जो ज़िंदगी में बनना चाहो बन सकते हो। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हो, जिधर तुमने जाना या कुदरत ने जो जिधर तुमने ले जाना है, तुम्हें वहाँ से वो रास्ता आपको मिल जाएगा। इसलिए संतों ने जो संत मत के अनुयायी हैं उनको दो बातें कही, बस केवल सिमरन करो और ध्यान करो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। और इसके बाद तीसरा आता है भजन। सिमरन और है, ध्यान और है, भजन और है। भजन आखिरी स्टेज है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। लेकिन दुनिया में रहकर अगर तुम सुख का जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो सिमरन किया करो और अपने गुरु का ध्यान किया करो। अगर ध्यान बाहर में नहीं लगता, अंदर में नहीं लगता, तो बाहर में मूर्ति को सामने रखकर उसमें आँखें टूट दिया करो और उनकी आँख से आँख मिलती रहे, और
तुम्हारी विल पावर बढ़ जाएगी और तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आता रहेगा। और लेकिन तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आगे कमल है दसवें द्वारे पार ब्रह्म जा बसे निरारे। अब नौवां और दसवां केंद्र आता है, क्योंकि बारह है ना केंद्र, मैंने अभी बताया, अभी आठ पूरे हुए हैं। नौवां है, नौवें स्थान पर हमारा शरीर सुन हो जाता है। इसको सुन ऐसा लगता है कि मेरा है, मैं मर चला, शरीर सुन हो गया, बिल्कुल कोई ख्याल नहीं रहता मन का। जब जो समाधि में जाते हैं उनको पता होगा, बाकियों को नहीं पता है। तुम बैठ गए हो और गुरु से रूप से तुम्हारा प्रेम है, तुम अपने शरीर को भूल जाओगे। इसको कहते हैं सुन समाधि, सुन समाधि। और इसमें मन शरीर सुन होता है, मन नहीं सुन होता। मन में अभी बड़ी भारी ताकत है। फिर आगे दसवीं स्टेज आती है, उसको महासुन कहते हैं। महासुन में मन भी खत्म हो जाता है, निर्विकल्प समाधि लग जाते हैं। वहाँ कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई देश नहीं, कोई शंतर नहीं, तुम बस तुम हो वहाँ। और उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं, जिसमें कोई विकल्प नहीं है, जिसमें कोई ख्याल नहीं है। वहाँ कोई आवाज़ आती है जैसे सारंगी बजती है, उनको रारंग सारंग संतों ने कहा है। भाई मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ, बाबा फकीर जी महाराज ने फरमाया कि जिन पर गुरु की दया हो जाती है वो जीव को बंद गाड़ी में ले जाते हैं, बंद गाड़ी में, बात समझिए, बंद गाड़ी पर उठाया, जाके स्टेशन पर पहुंचा दिया। अब तुम शब्द ही सुनो, छोड़ो इन बातों को, मन से क्या लेना, क्या कहा मैंने। तो उनकी कृपा जब हो जाती है तो ये स्टेजेस भी नहीं आती हैं, क्या कहा मैंने, बस उनकी दया मांगा करो, फिर वो खुद ही दया करके तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा जो आगे बात बताई गई है। तो वहाँ मन भी नहीं रहता। और जहाँ जहाँ कई लोग जो हैं, जब मन शांत होने लगता है तो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, हाय मैं मर चला, क्योंकि जीवन तो मन ही है ना, ख्याल ही है ना, ख्याल ही तुम्हें डांस करवा रहे हैं, और क्या है, वो ख्याल बंद हो, हाय मैं तो मर चलिया, तो उठ गए, बात समझ गया। मेरे साथ एक बार हुई थी ये बात, मैंने तो प्रार्थना की, मेरे दाता छोड़ो, मैंने क्या लेना इन चीज़ों से, पकड़ ली बाँह मेरी, ऐसे बाँह पकड़ी, चल बेटा फिर तुम्हें और दिखा देता हूँ, सब कुछ सारा कुछ खत्म ही कर दिया, कोई झंझट ही नहीं रहने दिया, क्या कहा मैंने। इसलिए गुरु महान है, गुरु के बगैर दुनिया में कोई न देवी है। इसलिए कह दिया शास्त्रों ने, कहा हम ही, मैं क्या कहूँ, हम बिगड़ी हुई संतान हैं, हम ना सनातन धर्मी हैं, ना हम गुरु मत वाले हैं, ना हम संत मत वाले हैं, हम अपने मन के मारे हुए हैं। नहीं तो शास्त्रों ने कह दिया, बड़े शब्दों में लिख दिया, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और फिर क्या कहा, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, इतने तो गुरु जी को गल ही नहीं सुनता। कहते वह गए जी दर्शन कर लिए, वाह मजा लग गई है, दर्शन ही नाले खुश है। अरे दर्शन तुम्हें पार नहीं करेंगे, पार तो गुरु का वाक्य करेगा। गुरु वाक्य मूल मंत्र, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये है असलियत धर्म, ये है असलियत सनातन, ये है असलियत राधा स्वामी मत, ये है असलियत गुरु मत। लेकिन कौन इसको सुनने के लिए तैयार है, हम उसको ही भूल गए जो हमारे शास्त्रों ने लिखा, महापुरुषों ने लिखा, बार बार किसी न किसी रूप में सबने यही कहा, सिमरन करो भाई, ध्यान करो भाई, सब में वो ही है, सब में वो ही है, उसके बिना कोई और है ही नहीं। फिर भी हम लड़ते हैं आपस में, क्या है फिर, कहाँ हैं हम, हम कृतघ्न हैं, कृतघ्न कभी पार नहीं हो सकता, कृतघ्न कभी सुखी नहीं रह सकता, कृतघ्न दूसरों को भी सुखी नहीं रहने दे सकता। इसलिए क्या कह रहे हैं स्वामी जी महाराज, आपके चलो आगे चलो।
महासुन में कवल चिंता, कवल दशम का वहा बरतंता। तो वो कहते हैं फिर महासुन में क्या है, चिंता ही नहीं कोई, वहाँ कोई चिंता नहीं। चिंता तो मन में ही होती है ना, जब वहाँ मन ही नहीं तो चिंता कौन करेगा। उसको कहते निर्विकल्प समाधि। फिर पढ़ो यही लाइन, महासुन में कवल अचिंता, कवल दशम का बरतंता। ये दसवां केंद्र है जहाँ कोई फिक्र नहीं है, वहाँ मस्ती है। मस्ती आनंद नहीं है, मस्ती है। मस्ती देखी ना लोगों ने, कल दिवाली आ गई, कल देखना शराबी नाले मस्ती आई होनी है। कई ने गड्डिया ही अपनी खत्म कर देनिया, चला अपने चलानियाँ स्पीडा के उत्ते चल रही है, उधर भी उन्हें भी मारिया, उन्हें भी मारिया, आप भी मर गए, क्या कहा मैंने। तो वो मस्त, उनको खरमस्ती होती उस वक्त, उसको खरमस्ती कहते। खर में गधे वाली मस्ती, गधे देखे नहीं जब उनको हैं हैं करते दौड़ते हैं तो लत्ता मारते हैं, कोई लग नहीं जा सकता, तो उनको खरमस्ती हो जाती है। ये खरमस्ती नहीं, ये मस्ती आती है वहाँ। हमने खरमस्त नहीं बनना, हमने मस्ती लेनी है और वहाँ ठहरना है और उसका नाम लेना है। आगे चलो। द्वादश कवल सात पद अंतर। अब आगे हम चले हैं, भंवर गुफा में पहुंच गए, वो ग्यारहवां केंद्र है। वहाँ क्या होता है, वहाँ गुरु की कृपा बरसती है, वहाँ उस मालिक की दया बरसती है, क्योंकि हम उसके नज़दीक चले गए हैं, उस मालिक की हस्ती के हम नज़दीक चले गए हैं। शरीर और मन की ताकत को छोड़कर हम आगे पहुंच गए हैं। तो वहाँ क्या होता है, भंवर गुफा में वहाँ प्रकाश की झलक मिलने लगती है और इंसान की जो सुरत है वो जाग जाती है। और वो ये कहती है कि जो कुछ भी अब तक मैंने देखा, जो मन था और कुछ भी नहीं था, मैं तो और हूँ, मैं तो मन हुई नहीं, क्या कहा मैंने। भंवर गुफा में ये हमारी हालत होती है कि हमें हमारे शरीर की हस्ती और हमारे मन की हस्ती का कोई एहसास नहीं रहता और हम महसूस करते हैं कि नीचे जो कुछ भी मैंने देखा ये मन था। और थोड़ा आपका लेवल ऊंचा हो गया और आप बिल्कुल दरवाजे पर पहुंच गए। फिर क्या होता है, आगे पढ़ो। खप चक्कर यह पिंड सवारा, तीन चक्र ब्रह्मांड आधारा। वो कहते हैं ये मैंने जो बात अब तक कही ये शरीर और मन की कह दी है, शरीर और मन की कह दी है। आगे क्या है, फिर पढ़ो यही लाइन। खट चक्र ये पिंड सवारा, तीन चक्र ब्रह्मांड आधारा। आगे क्या है ब्रह्मांड में, आगे क्या, पढ़ो पढ़ो। तीन कवल जो ऊपर रहे, संत बिना कोई वरन न कहे। वो कहते इससे आगे क्या है, सतलोक है, वो है दसवां द्वार, बारहवां, बारह के चक्कर हो जाते वहाँ, दस ग्यारह भंवर, बारहवा सतलोक। वहाँ क्या है, वहाँ प्रकाश है, तुम आत्म रूप हो जाते हो, तुम आत्मा के रूप हो जाते हो। वहाँ केवल प्रकाश है और वहाँ परमदयाल जी महाराज के वचनों के अनुसार वहाँ वीणा की आवाज़ आती है, जैसे वीणा बहुत सारंगी, वीणा की एक बहुत आकर्षित आवाज़ आती है, ऐसा संतों ने कहा है। वहाँ उस बार में केंद्र में क्या है, लेकिन उससे आगे जो तीन या चार और केंद्र हैं वो किसी ने, दुनिया वालों ने नहीं उसको समझने की कोशिश की, वो केवल संत मत की बातें हैं। सतलोक है, अलख लोग है, अगम लोग है, फिर अनामी धाम है और फिर राधा स्वामी धाम है, ये संतों के वाणी है। लेकिन अगर आप ये जो नीचे वाली वाणियों को ही अगर आप समझते हैं
अपने जीवन को बनाना चाहते हैं तो तुम्हें यही कोई पकड़ना होगा जो कुछ मैं अब तक आपको बताया, लेकिन आगे भी थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ वो लोग क्या है। खस्तकार तक जोगी आसन नमः कमल जोगेश्वर वासन। कहते हैं जो छह कमल हैं, आठ कमल जो हैं त्रिकुटी तक, केवल योगी लोग गए हैं जो योग करते हैं। योग किसका? मन का और सुरत का योग करते हैं, लेकिन वो सुरत के साथ योग नहीं कर सकते क्योंकि वो ध्यान लगाते हैं गुरु के साथ, अभी जुड़े हुए हैं, गुरु को उन्होंने मनुष्य समझा हुआ है, इसलिए वो योगी हैं। योगी गुरु के बगैर कोई नहीं चलता। देखो आप जितने भी ये योगी बने हुए हैं उनके साथ चेला जरूर होता है, वो सब चेला और गुरु का उनका व्यवहार है। वहाँ वो आठवें कमल तक पहुँचते हैं, दूसरा कोई नहीं आगे जाता। आगे नौवें कमल में योगेश्वर जाते हैं, नौवें में सुन आ जाती, सुन सुन नहीं हम शरीर से सुन हो जाते हैं बस, और कुछ नहीं, मन बड़ा रहता बलवान। वो नहीं कहते, आपको डराते नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं कहते हैं ना ऐसा वरदान दे सकता हूँ, लेकिन होता कुछ नहीं है। जो योगेश्वर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी मालाएँ डाली हुई हैं, बड़ी बड़ी जटाएँ रखी हुई हैं, वो योगेश्वर कहते हैं। हम योगेश्वर हैं जी, योगी थोड़े थोड़े लीपर लेवल का हो गया, जो मुंड बढ़ा लेते हैं वो योगी हैं, जो जटा रख लेते हैं वो योगेश्वर बन जाते हैं। बात समझ गए? लेकिन दोनों ही खाली हैं, आगे नहीं वो गए। आगे क्या है? पिंड ब्रह्मांड का इतना लेखा योगी ज्ञानी यहाँ तक देखा। इन्होंने बस यहाँ तक रहे हैं बस, और आगे नहीं गए, ब्रह्मांड में नहीं गए। आगे आगे का कोई भेद न जाने तीन कमल सो संत बखाने। वो कहते जो आगे के स्थान है केवल वो संत जानते हैं, उनको दूसरा कोई नहीं बता सकता। वो क्या है तीन तीन लोग अगले क्या है? वो संतों की रहनी है, सतलोग लख लोग अगम लोग। सतलोग में क्या है? सतलोग में प्रकाश है, अलख लोग में क्या है? कुछ भी नज़र नहीं आता, जहाँ कुछ नज़र नहीं आता मगर तुम हो वहाँ, तुम्हें नज़र कुछ नहीं आता मगर तुम हो। और अगम लोग में कोई था ही नहीं है, वहाँ प्रकाश है और शब्द है बस, और कुछ नहीं है। और तुम प्रकाश को देखने वाले हो और शब्द को सुनने वाले हो, ये है संतों की कहानी। लेकिन तुम्हें तो वो दुनिया चाहिए नहीं, तुम तो इसी जग को ही खुश कर लो, इसी को बना लो, कोई राधा स्वामी ही बन जाओ, राधा स्वामी नाम के मत बनो, राधा स्वामी असलियत में बनने की कोशिश करो कि वो राधा स्वामी है कहाँ। इसलिए दाता दयाल साहिब इसी बाणी में लिखा, शुरू में लिखा है, राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले। जन्म सफल हो जाएगा किसका? सिमरन करके, राधा स्वामी शब्द का, क्योंकि ये शब्द संत ने खोज की है, जो किसी और ने खोज नहीं की है। तो संत की खोज और साइंस सिद्धांत की खोज, विज्ञान की खोज और संत की खोज में बिल्कुल सत्यता होती है। ये विज्ञान की खोज है, लाइट इन्होंने खोज की, सूरज की खोज नहीं की इन्होंने। सूरज की खोज तक कौन पहुंचा? संत पहुंचे कि ये ब्रह्मांड को चलाने वाला है, ये पैदा करने वाला है ब्रह्मांड की, ये सब कुछ खेल इसका है। बात मेरी समझ रहे हो? इसलिए संतों की खोज जो वो साइंटिफिक है लेकिन वो अंदरूनी है, और साइंटिस्ट की वैज्ञानिकों की खोज बाहर की है। बाहर की खोज आपको बाहर का सुख देगी और अंदर की खोज आपको अंदर का सुख देगी। इसलिए स्वामी जी महाराज ने निर्णय किया कि ऐ इंसान तेरा सुख, दुनिया का सबसे बड़ा सुख तेरे अपने अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर तुम्हें शारीरिक सुख मिल सकता है, बाहर तुम्हें मानसिक सुख भी मिल सकता है, तुम्हें खाने के सब सुख मिल जाएंगे, पीने के सब सुख मिल जाएंगे, पहनने के सब सुख मिल जाएंगे, रहने के सब सुख मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें परम शांति का सुख जो मिलेगा वो तुम्हारे अपने अंदर है, और वो इन्हीं
स्थानों पर चलने के बाद और गुदा चक्कर मूलाधार उसके बाद इंद्री उसके बाद नाभि केंद्र उसके बाद हृदय केंद्र उसके बाद कंठ उसके बाद ये तीसरा तिल फिर आगे सातवां चक्कर फिर आठवां चक्कर ये तुम्हारी जिंदगी को बनाने वाले हैं। इनको समझो, इनका इस्तेमाल कैसे करना है उनको समझो, इनकी रक्षा कैसे करनी है उनको समझे। ये किस पर निर्भर करता है? तुम्हारे अपने खाने पीने पर निर्भर करता है। तुम्हारा खाना पीना तुम्हारी कमाई पर निर्भर करता है। तुम्हारा जो खाना तुमने कैसे प्राप्त किया, इसलिए कह दिया गुरु नानक साहब की बाणी एक लाइन है, घाल खाए, घाल मीन मेहनत करके खाए, मुफ्त में ना खाए, घाल खाए, कुछ हथों दे, मेहनत करके रोटी कमाए और फिर कुछ दान भी करे, भूखे को रोटी दे, प्यासे को पानी दे, नंगे को कपड़ा दे, गिरे हुए को उठाए, और अगर कुछ नहीं हो सकता तो मीठा ही बोल दे, वो भी बड़ी भारी ताकत देता है। मीठा बोल ले, सहानुभूति दे। जैसे मैंने देखा, जैसे मैंने अनुभव किया कि कोई आदमी बीमार है, बच्चे छोटे छोटे हैं, वो बीमार हो गया तो आम लोग उसके पास जाकर क्या कहेंगे जो खबर लेने जाते हैं? अरे जी अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, बीमारी कैसी लग गई। वो बेचारा सुनता है और समझ लेता कि बस मैं अब चला क्या काम, मैं 2016 में बीमार हो गया मेरे को भी घर में आए बॉस लोग मिलने के लिए आए तो एक आदमी आया मेरी बहू को बोल जहाँ तो पूछने का दरवाजे पर ले गया। वहाँ जाकर कहता बेटा सेवा कर लो पापा की, आपके हाल तो बहुत ख़राब है उसने कहा। और मैं तो कान रखता था तब बड़े सोने सुनता था, मैंने पता लग गया कि बंदा की कह के गया। मैं क्या उसको कह दे के तेरे साढ़े पापे की उम्र तेरे नाल भी ज़्यादा है और मैं नहीं जाने वाला अभी, ये तो मैंने दुनिया, ये तो मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने मुझे दिखाया कि मौत है क्या वो मेरा अनुभव करवाया, मैं तो कहाँ जाना रे अभी, तुम्हें बहुत काम करना है। क्या कहा ये सरदार साहब बैठे आदमपुर वाले, ये वहाँ मिले मिले बहुत, मेरी बैठी बहुत रोने लग गई मुझे देख कर। मैंने वहाँ भी कहा ओ मैं नहीं जाता, मैं ना मंदिर में मैंने बड़ा काम करना है। क्या कहा मैंने, तुम जाओ लेकिन उसको हौसला दो भाई, कुछ नहीं कोई बात नहीं है, तू दुआ खा था सही, फिर तो बात बनी ना तुम्हारी खबर की। ये क्या घर वालों के कह देने के बस सेवा कर लो बस उल्टे चले आए, घर वाले भी ढीठ ढा के बह जाएंगे और बंदे भी सुन लिया तो भी कहेगा बस मैं तो चल गया। ये नहीं अच्छा है, अच्छा ख्याल रखो, किसी की बुराई क्यों करना, किसी के बुरे बात क्यों सोचना। क्या काम है जिंदगी को सुनो मेरी बात ध्यान से, दुनिया में गरीब कौन है? जिसका ख्याल ठीक नहीं है वो गरीब है, जिसके ख्याल में नेगेटिविटी है वो गरीब है, जो आशावादी है, जो गुरु की वाणी में विश्वास रखता है वो कभी गरीब रह नहीं सकता, कुदरत उसकी मदद करती है। क्या कहा मैंने, इसलिए क्या करो तुम अपनी खुराक को ठीक करो, जैसे गुरु नानक साहब ने कहा काल खाए कुछ हथों दे, नानक नाम पछाने से, तब तुम्हें नाम का पता चलेगा कि नाम क्या है। हेरा फेरी भी करते हो, झूठ भी बोलते हो, गुरु से भी धोखा देते हो, नाम भी नहीं स्मरण करते और फिर कहते हो हम नामधारिये हैं, तुम तो कहीं के भी नहीं रहे। गुरु को भी धोखा, अपने आप को भी धोखा, तुम्हारा जीवन नहीं सुधर सकता। इसलिए 27-27 साल के 30-30 साल के मेरे आते हैं टेलीफोन आते, मुझे एक लड़की बेंगलोर से टेलीफोन करती, कभी मैसेज लिखती है। मैंने उसको कहा अगर तो तूने मेरी बात मानना है तो मुझे लिखना, नहीं तो मेरे को लिखना नहीं है, तुम पागल हो जाओगी, डोंट टच मी। आप किसी से नाम अलग लिया हुआ है, बात मेरी समझी गए? तो मुझसे बात करनी है तो उस पर चलो, नहीं करनी नहीं मानना तो मत मेरे को टेलीफोन करो, आई यू वेस्ट माई टाइम, आई रोट बैक, मुझे डोंट वेस्ट माई टाइम।
मेरे अपने सत्संगी, मैं उनका प्यार करता, मुझे तो आपको तो मैंने देखा भी नहीं, तुम कौन हो क्या नहीं, बात मेरी समझ गए। इसलिए तुम्हारे लिए ये 6 कमल ही बहुत बड़े हैं, तुम अपने पेट का ख्याल रखो, तुम अपनी खुराक का ख्याल रखो, तुम अपनी हक हलाल की कमाई का ख्याल रखो और उसमें से किसी की मदद भी करो तो तुम बहुत सुखी रहोगे। अब 11वें कमल, 12वें कमल, 14वें कमल का मैं तुम्हारे से क्या जिक्र करूँ, वहाँ तो वही जाएगा जिस पर दया आद करता की सो जी नियामत पावे, जिस पर उसकी दया, जिस पर जिसने गुरु की सेवा ही नहीं की। गुरु की सेवा क्या है? गुरु की सेवा ये नहीं कि कपड़े दे दिए ना, गुरु की सेवा ये है कि यू फॉलो हिज वर्ड, उनका वचन मानो, तुमने सेवा कर दी। गुरु उसी पर खुश होगा कि हाँ बच्चा, बेटा है बड़ा तोड़ा, बेटा है तोड़ा, कहना नहीं मंदा, तुसी खुश होगे नहीं खुश होगे ना, तो खुश तो बच्चे तो उसते होगे जो थोड़ा कहना मंदा, फिर तुसी प्यार भी करोगे, तुसी हर चीज़ उन्होंने दोगे भी, जो कहना नहीं मंदा तो की लूँगा। हमारे बाबा फकीर की कृपा है आप सबके ऊपर, तुम सुखी रहो, कल दिवाली है, मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर की दिवाली हो जाए। ये बाहर की क्या रोशनी पॉल्यूशन होगा, कल कितना पटाखे चलाएंगे लोग, क्या क्या करेंगे, ये और वातावरण गंदा होगा। तुम्हारे अंदर मेरा मालिक ज्ञान का सूर्य प्रकाश कर दे, तुम्हारे अंदर से वैर विरोध ईर्ष्या द्वेष नफरत खत्म हो जाए, तुम ऐसा महसूस करो कि हर जगह वही है, सब में वही है और तुम्हारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आप सबको शुभकामना, आपको दिवाली मुबारक हो, आपका जीवन सुखी हो, मेरा सबको बहुत प्यार भरा राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। भोजन खा के जाना सबने, भोजन खा।